बिहार दैनिक न्यूज चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। अप्रैल और मई में 7 चरणों में लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि किन राज्यों में कितने चरणों में होगी वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, इन सभी जगहों पर एक चरण में ही चुनाव समाप्त हो जाएंगे। कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और त्रिपुरा में 2 चरणों में चुनाव समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद असम और छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव समाप्त होंगे। उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में 4 चरणों में चुनाव समाप्त होंगे। जम्मू कश्मीर में 5 चरण में चुनाव समाप्त होंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये देश के बड़े राज्यों में गिने जाते हैं। इन सभी जगहों पर 7 चरणों में चुनाव समाप्त होंगे। तो आइए थोड़ा सा चरणों के बारे में जान लेते हैं। पहला चरण 11 अप्रैल से होगा, जो कि 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए होगा। दूसरा चरण 18 अप्रैल को होगा, जो 13 राज्यों की 97 सीटों के लिए होगा। तीसरा चरण 23 अप्रैल को होगा, जो 14 राज्यों के 115 सीटों के लिए होगा। चौथा चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा, जो 9 राज्यों के 71 सीटों के लिए होगा। पांचवा चरण 6 मई को होगा, जो 7 राज्यों की 51 सीटों के लिए होगा। छठा चरण 12 मई को होगा, जो 7 राज्यों की 59 सीटों के लिए होगा। सातवां चरण 19 मई को होगा, जो 8 राज्यों के 59 सीटों के लिए होगा। दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि इन सभी चरणों में बिहार में चुनाव कराए जाएंगे। अब जानते हैं कि बिहार में कब और कहां होंगे चुनाव। पहला चरण 11 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिलों में होंगे। दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में होंगे। तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में होंगे। चौथा चरण 29 अप्रैल को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में होंगे। पांचवा चरण 6 मई को सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मधुबनी और सारण जिले में होगी। छठा चरण 12 मई को वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज में होंगे। सातवां चरण 19 मई को पटना साहिब, पाटलिपुत्र, नालंदा, बक्सर, आरा, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद जिले में होंगे। और इन सभी चरणों के बाद 23 मई को लोकसभा चुनाव 2019 का परिणाम घोषित किया जाएगा। दोस्तों चुनाव किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। अभी समय है, हम अपने लिए एक अच्छे नेता का चुनाव कर सकते हैं। जैसा समाज होता है वैसा ही नेता पैदा होता है। जिसे सच्चे नेता की आवश्यकता है उसे अपना स्तर ऊंचा करना होगा, अपना दूषण भी दूर करना होगा, तभी हमको असली सुख और शांति देने वाले नेता प्राप्त होंगे। आज हम खुद ईमानदार नेता या अफसर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बेईमान नेता, बेईमान अफसर पैदा हो, जो रिश्वत लेकर हमारे गलत कार्यों को कर सके। नेता का स्तर सुधारने के लिए हमें अपने स्तर को सुधारना होगा। इसलिए सोच समझ कर और अपने बुद्धि विवेक से मतदान करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।